गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है पहली बार इस वाले रूम पे सोए हम लोग, बहुत ही अच्छा नींद आया। तो ठंडा ठंडा कूल था एकदम, क्या ही बताए, उस रूम से तो बहुत बेहतर है ये वाला। और अभी जेरी सो के उठी है, अचानक से नर्स आया था, ये सो रही थी, नर्स ने इसको जगाया तो ये डर गए, पूरा चिल्लाया उसका। मैं भी सो रहा था, मैं भी चिल्ला के होता पूरा, इसने ऐसा कुछ किया था, इतना डर गया ना। हाँ हाँ तो डर गया ना। कोई बात नहीं, इसको मैं भी डर गया था, क्या हो गया सोचा मैंने। और पेन जो है रात को थोड़ा आया था तो रुक रुक के आ रहा है, तो आज हमें दवाई इंड्यूस करना पड़ेगा, देखते हैं। आज लेवर पेन लाना पड़ेगा, उसको नेचुरली आने में बहुत टाइम लग रहा है ना, तो थोड़ा सा दवाई इंड्यूस करके जो है डॉक्टर ने बोला है कि आज लेवर पेन लाएगा, तो देखते हैं। आज डॉक्टर सर जैसे ही आएंगे 9-10 बजे हॉस्पिटल में, तो उसके बाद हम लोग जो है वो प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे ना, देखते हैं अभी। बस अभी हम बाहर आए हैं, थोड़ा सा वॉक करवा रहा हूँ जेरी को, क्योंकि अभी अभी जो है जेरी को कुछ फ्लूइड भी आया ना, तो वो बहुत अच्छा साइन है फ्लूइड आने से, तो रास्ता खुल रहा है आई थिंक, तो आज शायद हो सकता है। तो उससे पहले तो उतना फ्लूइड नहीं आया था ना, आज पहली बार आया इतना ज़्यादा, तो आज हो जाना चाहिए। हाँ इसलिए बोलता है पेन होने से गर्म पानी पियो और उसके बाद वॉक करो ना, इसलिए गर्म पानी पीने दिया है फ्लक्स से और उसके बाद वॉक करवा रहा हूँ। चलो बस आई थिंक ना हमारा बच्चा जो है जो लेबर पेन होता है ना वो नेचुरली नहीं आ रहा है, तो इंड्यूस करके जो है इसको लाना पड़ेगा। तो आज डॉक्टर सर से बात करेंगे, जैसे वो आएगा ना 9-10 बजे के आसपास में वो लोग आएंगे। चलो अभी मैंने थोड़ा फ्रेश अप भी हो लिया है, थोड़ा फेस पर जो है क्रीम लगाया और थोड़ा लिप बम लगाया पेन में, तो अभी मेरा बाल जो है एकदम स्ट्रेट करके रहता है, आजकल पूरा बुद्धि जैसा हो गया, तो अभी यहाँ पे मैं सीरम लगा रही हूँ। तो खुद डरता है, ड्रेस भी चेंज कर दिया है, अभी वो पेला वाला फ्रॉक तो जो है मस्त लग रहा है, और बारिश हो रही है तो मौसम जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ ऊपर सर्दी में, बहुत इसी करके रहता है इतना अजीब है ना बात, वो नया नया बेबी हेयर है, ऐसे बेबी हेयर ना इतना निकलते रहता है मेरा, हो गया। और हम लोग रबर बैंड भी लाना भूल गए। अभी हम लोग जो है छोटा मोटा ब्रेकफास्ट टाइप का खा रहे हैं, चाय, अंकल ने चाय ला दिया था हमें, तो डेली आते हैं अंकल हमेशा, हमें पूरा पूछते हैं हमारा हालत कैसा है। और यहाँ पे जो कल बहन ने ला दिया था सिस्टर ने वाला समोसे खा रहे हैं, और गर्मा गर्म चाय, थोड़ा गर्म पेट में जाने से ठीक है बोलता है ना, गर्म पी सकते हैं, हाँ तो इसलिए अच्छा है। हाँ दूध चाय नहीं पीना है, पेन हो रहा है, हाँ गुड गुड पियो, अभी गर्म पीने से और पेन होगा, गुड। देखो ना ये पेन होने से हंसता है, कैसा है ये। दूसरा लोग रोता है पेन होने से, ये हंसती है, इसलिए तो लेट हो रहा है आने के लिए, पेन को ही भगा देता है ये हंस हंस के। तू हंसाता है ना? कहाँ हंसाता हूँ मैं, पियो हो गया। अभी गाइस थोड़ा बहुत गुड न्यूज आने वाला है, शायद आ जाएगा, आज तक सर को रुक रहे हैं बस। तो अभी जो है जेरी का जो है फ्लूइड वगैरह बहुत निकल रहा है, रास्ता जो है क्लियर हो रहा है, अभी नर्स आया था, नर्स को बुला के मैं लेके आया तो उसने चेक किया, तो जैसे ही सर आएंगे दवाई इंड्यूस करेंगे, तो किसी किसी का जो है दवाई इंड्यूस करने के बाद बहुत जल्दी होता है, तो आज देख लेते हैं ना। तो अभी जेरी जो वॉशरूम पे गई है, थोड़ा सा उसका तबीयत अभी बिगड़ रहा है जेरी का, उससे पहले तो पूरा एकदम एक्टिव रहती थी ना बिल्कुल, तो अभी थोड़ा सा उसका हेल्थ जो है थोड़ा गिर रहा है, तो जो कि अच्छा साइन है ना, मतलब बच्चा डिलीवर होने के लिए, तो अभी देख लेते हैं। थोड़ा बहुत खुश भी हूँ ऐसे टाइम पे ना गाइस, खुशी भी होती है, टेंशन भी होती है थोड़ा बहुत ना, चिंता भी होती है, तो लेकिन खुशी तो ज़्यादा हो रही है, तो देखते हैं। अभी रास्ता वगैरह तो खुल रहा है, सर आने के बाद दवाई इंड्यूस करने के बाद जल्दी हो जाने से अच्छा है हमारे लिए भी, कितना दिन वेट करें, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, आप लोग भी वेट कर रहे हैं। अभी बस इसको थोड़ा बहुत गर्मा गर्म पानी पीना है और वॉक करना है, तो ताकि जल्दी से पेन जो है शुरू हो जाए ना। अभी अंदर आ गए हम लोग, थोड़ा बहुत पेन आ रहा है, लगता है गुड न्यूज़ आएगा आज, कमर पे भी जो है पेन आ चुका है और फ्लूइड वगैरह भी थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ
अभी फाइनली आंसू आ रहा है ना। चल गरम लग रहा है। हाँ गरम पानी भी पी रहा है ना लगातार गैस, उसके लिए भी। हाँ सच में गरम पानी पीने से पेन होती है। हाँ गुड। अभी हम फिर से बाहर आ गए वॉक पे, थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करने से ज़्यादा पेन जो है ज़्यादा होगा ना इसलिए। अभी दीदी भी आ गए खाना लेके हमारे ट्विन सिस्टर के घर से, तभी खाएंगे ना, भूख लग रहा है, हम दोनों को भूख लग रहा है। दीदी ने भी नहीं खाया बोला है, अभी नहीं खाओगे अभी आप? अच्छा क्या क्या सब्जी है आज? बीन्स और करेला। चलो खा लेते हैं, ये ना बहुत अच्छा ऐसा वाला एक खरीदना पड़ेगा हम लोग को भी। हाँ पानी पूरा गर्म है ना, बहुत देर तक टिक गया ना ये। हाँ चलो खाते हैं। वो तो 1.5 लीटर या 2 लीटर होता होगा ना, ज़्यादा है 2 लीटर ज़्यादा होगा। अभी हम लोग खा रहे हैं, पहले तो हम सिर्फ दोनों खाने वाले थे, अभी दीदी भी खा रही है, उसको भी भूख लग रहा है बोला, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है। दो सब्जी हैं, बीन्स और करेले का सब्जी, दोनों को मिक्स कर दिया हम लोगों ने क्योंकि कटोरा कम पड़ गया था, तो दीदी एक कटोरे पे खा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है आज का सब्जी। और खाना खाते खाते डॉक्टर सर आए, जेरी का आँखों को देख के चला गया और फिर से बाद में जाने के लिए बोला है। अभी हमने जो है खाना वगैरह भी खा लिया है, खाना खाने से और भी मेरा पेट ना दर्द देना शुरू होता है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है एक तो हम लोग का सब्सक्राइबर आया है बहुत ही दूर से, यहाँ में पढ़ाई करती है, और दीदी जो है, हाँ दीदी जो है यहाँ पे कुछ मिक्सचर वगैरह बना दिया और बारिश दे रही है अभी जोर जोर से। थोड़ा सा बाहर का नज़ारा, बाहर बोलने से भी पूरा छत ही छत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का हॉस्पिटल है, ये सब बीमारी वाला पेशेंट जो है वहाँ पे आता है। नया वाला पता नहीं वो वाला है क्या, उतना आइडिया नहीं है नया वाला कहाँ में है। पूरा छत ही छत यहाँ पे देख सकते हो, पूरा बारिश देना स्टार्ट है। आज का मौसम जो है बहुत ही अच्छा है, ऐसे ठंडा ठंडा करके रखने से अच्छा होती है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं। क्या हो गया, क्या पानी गिर गया था? हम यहाँ से खाएगा बाद में, अभी नहीं, ये घर का आम है, खट्टा खाने मन होती है, बाद में खाऊंगी। अभी हमारा खबर लेने के लिए कौन आया देखो गाइस, हमारा भांजी, और बहुत ज्यादा सामान लेके आया। क्या क्या लेके आया? जेरी के लिए प्लम, स्पेशल वाला प्लम पका हुआ, और यहाँ पे बहुत सारा सब्जियां गाइस, यहाँ पे बेत की सब्जी, आलू की सब्जी, अंडा बॉयल, और ये लोकल खीरा, चावल, और क्या कहते हैं ड्राई फिश, क्या क्या लेके आ गया हम लोग। थैंक यू लाने के लिए। मीट द्वारा नहीं, नहीं नहीं, हमें मीट नहीं चाहिए, उसका जरूरत नहीं, साग मिल गया, मिर्च का चटनी मिल गया, वही काफी है, क्योंकि हम लोग वही मिस कर रहे थे गाइस, घर का खाना। तो एक्चुअली ना गाइस, हम लोग का एक भतीजा था जो किडनी का प्रॉब्लम हुआ था ना, उसी को लेके आया ये लोग डायलिसिस करने के लिए, और उसके बाद जो है मुझे हमारे लिए भी जो है खाना वगैरह लेके आ गया प्रियंका स्पेशली हमारे लिए लेने के लिए आया है ना। थैंक यू। खा रही हो? बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ना, मजा है। हम लोग के पास नहीं है, जो पेन था हाँ वो पूरा सूख के, हाँ नहीं वो हवा में गिरा है वो, अभी ये लोग, हाँ हाँ ये लोग वहाँ से लगाएंगे ना। अब ये लोग जाएंगे दुकान पे, दीदी और प्रियंका, हम लोग खाते हैं यहाँ से प्लम, बहुत टेस्टी है ना। दोस्तों मैं सुबह आई थी खाना लेके ट्विन्स मोन पकालो का घर से, उसका खाना वाना खा के बैठे हैं, बस बातें कर रहे हैं। जेरी का तो थोड़ा गुड न्यूज होने वाला है ऐसे लग रही है, और भैया आया है हमारे चौकम से, जो हमने बोले थे कि ड्राई फिश लाने के लिए, क्योंकि ड्राई फिश के बिना हम लोग अधूरी है ना, इसीलिए तो भैया ने फोन किया है कि ड्राई फिश लेने आ जाना, तो मैं जा रही हूँ अभी ड्राई फिश लेने के लिए भैया के पास। वो एक्चुअली मेरा अपना भैया नहीं है, जो भुआ कलर का है वही है जो उसका बेटा, पहले मैं शायद रुपम का ब्लॉग में देखा होगा कि उसका बेटा के लिए रुपम ने वीडियो बनाया था, जो ब्लड चाहिए था वही उसके लिए एवरी वीक उसका बेटा को लाना पड़ता है यहाँ तेजू में, तो मैं जा रही हूँ अभी। यहाँ पे है भैया और मैंने ये ड्राई फिश भी ले लिया, हाँ यहाँ पे आ गया, हफ्ता में एक बार करना पड़ता है, दो बार। अच्छा मंडे फ्राइडे। और यहाँ पे है पेशेंट जो हम लोग का भाई है। अभी बारिश देना भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और मैं बाहर बेलकोनी पर जो है थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, तो प्रियंका जो है जो खाना वगैरह लेके आई थी, तो वहाँ से जो है दोपहर का लंच करूँगी थोड़ा, क्योंकि सुबह में थोड़ा थोड़ा खाया है हम लोगों ने, तो अभी इतनी जोर जोर से बारिश हो रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी पूरा एकदम ठंडा ठंडा। और हमारे रूम पे जो है बहुत सब्सक्राइबर आए थे मिलने के लिए, कल भी आया तो आज भी आया, जो वो सब जो है मैंने नहीं दिखाया, लेमो का ब्लॉग में देखना, बहुत एकदम हंसी मजाक में हम लोग थे। तो अभी पेन वगैरह होने से भी ना हम पूरा हंस देता है। तो अभी भी देखो ना यहाँ पे फिर से ये लोग पूरा गप्पे सप्पे क्या कह लो अच्छा लगता है। अभी ये लोग के साथ साथ ना हम भी पूरा पेन भी बंद जाता है मेरा। तो यहाँ पे थोड़ा वॉक कर रही हूँ और मेरा पानी ख़त्म हो गया, गर्म पानी। गर्म पानी पीने से थोड़ा पेट में अच्छा लगता है। और मैं घर से जो है इमरजेंसी में बस दो तो ड्रेस लेके आई थी, तो एक ड्रेस तो गंदा हो चुका है, अभी फिर से दूसरा वाला लगा लिया सुबह में। तो दीदी को मैंने बोला है कि मेरे लिए कपड़ा लेके आओ, थोड़ा सस्ता वाला कपड़ा लेके आओ, क्योंकि ये कंफर्टेबल होना चाहिए ना। तो 100-200 में जो कपड़ा मिलता है उसी से लेके आओ, बोला है वॉश करके पहन लेगा उसे। अभी इतना अच्छे से बारिश हो रही है तो एकदम ठंडा ठंडा हवा। आज रात को तो पूरा मजे से सो पाया, बस अभी भगवान पेन का वजह से पता नहीं कैसे सो पाऊंगी, क्योंकि पेन जो है सुबह से स्टार्ट हो गया था मेरा। पेन एकदम ऐसे जोर जोर से आ रही है फिर रुक जाती है। और यहाँ में एक तो बहन है, ये लोग का देखा नया मेहमान बहुत आज आया है ना सुबह में। हाँ सुबह में आया था, देखो नया नया मेहमान। हम लोग का कब आएगा रे, मेरा 10 को बुलाओ तो जल्दी आने के लिए। देखना पूरा देख रहा है जैसा लगता है ना, सर थोड़ा लंबा हो गया वही ना। हम लोग का भी सर तो बहुत लंबा होगा लग रहा है, लंबा हम पूरा सोते रहते हैं, उतना सोता नहीं लेते रहता है। हाथ में घुसी आएगी वाला फोटो, अरे खुद ही हटा दिया उसने, खुद ही हटा दिया। अच्छा है अभी प्रियंका जो खाना वगैरह बना के लेके आए थे यहाँ पे, देखो लोकल लोकल पूरा। अभी इसको खा के जो है दर्द को भगाना आया, तो मेरे बाहर पे वॉक कर रही थी पूरा अचानक से पेन आया, फिर मैं बिस्तर पे लेटने के लिए आई। अभी जो है हम भी खाएंगे तीनों, दीदी मैं और जेरी खाएंगे और प्रियंका लोग भी जाएंगे अभी ना। हाँ ठीक है, थैंक यू लाने के लिए, अच्छे से जाना ठीक है। ठीक है हाँ चलो। और बितुलुआ कब आ रहा है? वो अभी नहीं आ गया, थोड़ा टाइम लगेगा ना। अच्छा चलो अभी हम लोग खा लेते हैं ना, खाओ आराम से खाओ, इतना दिन से खाएगा खाएगा बोल रहा था, ये कद्दू के साग और ये मिर्च की चटनी खाएगा बोल रहा था, अभी फाइनली मिला है, खाओ अभी। अभी दीदी जो है जा रही है फिर से हम लोग का जो ट्विन सिस्टर है वो लोग का घर पे, तो डिनर जो है वहाँ से बना के भेज देगी। तो आज दीदी ज़्यादा पेन होने से जो ज़्यादा पेन होने से तो आज तक रुकेगी, तो अगर थोड़ा थोड़ा होने से वहीं पे रुकेगी, क्योंकि यहाँ में थोड़ा तकलीफ होती है। बिस्तर एक बिस्तर पे जो है हमने सारे सामान वगैरह रख दिया और हमारे पास उतना कंबल वगैरह भी नहीं है ना, तो मेरा और लम्बो का जुड़ जाता है बस। तो बारिश भी दे रही है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, खाना वगैरह तो खा लिया है ये दोपहर का। तो डिनर जो है रात 11 बजे 11:30 बजे को ऐसे खाएंगे ना। आजकल पूरा हम लोग भी अमीरों वाला हो गया, शहरों वाला हो गया, घर में तो गांव में हम लोग 6 बजे 7 बजे खा देते हैं, अभी यहाँ में 11-12 बजे का खाते हैं। जब से यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा टाइमिंग जो है चेंज हो गया हम लोग का, तो अभी चलो अंदर चलते रेस्ट करो अभी। मेरा पति जो है मेरा गंदा वाला कपड़ा जो है वॉश कर दिया था, क्योंकि मेरे पास ड्रेस इतना नहीं है, और जो दीदी ने खरीद के लेके आया था ना उसे जो बस वो ऊपर लगाने के लिए और जो नीचे वाला मेखला वगैरह चाहिए होगा वो इन्होंने वॉश कर दिया है। बाहर पे नहीं होगा, इधर में इधर में कर दूँ। अभी हम ज़्यादा बाथरूम पे वो झुक नहीं सकता है तो तकलीफ होती है, पेन वगैरह अभी रुक रुक के हो रही है ना, तो इसलिए मैं बिस्तर पे ऐसे लेती हुई हूँ। आज दिन भर मैं वॉक कर रही थी बाहर बालकनी पर, जो हम लोग के पास सब्सक्राइबर आए थे वो लोग के साथ जो है बहुत दो तीन घंटा मैंने जो है टाइम स्पेंड किया बालकनी पे। अभी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, हो गया पानी को पानी रख लो।
कपड़ा को वॉश करके जो है मैंने अभी सूखने के लिए यहाँ पे दे दिया है। बाहर पे नहीं दे सकता क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो वरना बाहर पे दे देता, धूप में तो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो इधर में दे दिया मैंने इसका जो क्या कहते हैं ये फ्रॉक ना नाइटी पता नहीं क्या कहते हैं, और मेखला को इस साइड में दे दिया है मैंने, अच्छे से वॉश कर दिया। तो गाइस जो भी देख रहे हैं ना, जो लड़के हैं स्पेशली बोलते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत शर्म करते हैं कि अपने बीवी का या फिर कोई भी लड़की बहन का कपड़ा वॉश करने के लिए, और लड़का दोस्त लोग मजाक भी उड़ाते हैं इसके, अरे बीवी का गुलाम है सब वगैरह ना, आप लोग वो सब मत सोचिए। ऐसे स्पेशली ऐसे टाइम पर ना आप लोग वॉश ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि ये लोग ऐसे टाइम पर नहीं सकते हैं, चाहे वो मतलब खून वाला हो उसमें लगा हुआ। अभी जो ये वॉश किया था ना गाइस, इसमें भी खून उन लगा हुआ था, बट स्टिल मैंने धो दिया ना, तो इसलिए आप लोग को शर्म भी नहीं करना है, ये सब चीज़ में गेम भी नहीं करना है, अपना ही बीवी है तो करना चाहिए ना ऐसा। जो भी लड़के लोग देख रहे हैं थोड़ा सा आप लोग भी देखिए, गेम वेन शर्म वरम दोस्तों का ताना ये सब आप लोग गोली मारो, आप लोग अपना काम को करो ठीक है, तो इसलिए शर्म वगैरह नहीं कर। मैं तो बचपन से मैं धो देता हूँ, मैं मम्मी का भी धो देता हूँ, जब मम्मी बीमार होती थी उस टाइम पर मैं भी धो देता था उसका, तो इसलिए मेरा तो पूरा आदत हो चुका है, मैं गेम भी नहीं करता हूँ शर्म भी नहीं करता, मैं ओपनली पब्लिकली बोलता हूँ कि हाँ मैं धो देता हूँ बोल के। तो अभी जो है एक गुड न्यूज़ ये है गाइस कि इसका पेन जो है बहुत हद तक शुरू हो चुका है, और आज 6 बजे अभी 6 बजे को जो है डॉक्टर सर आएंगे, और उसके बाद डॉक्टर जो है इनको सेलाइन लगवा देंगे, जो कि इसका लेवर पेन जो है ना उसको भराने के लिए दिया जाएगा। तो देखते हैं, रात भर जो है पेन होगा लेवर पेन, उसके बाद सुबह को बच्चा होगा 9-10 बजे ऐसे टाइम में ऐसा बोला है, तो देखते हैं आज का। हाँ आज को वेट करके देखते हैं, आज तो दवाई वगैरह यूज़ करके शायद सच में आ भी सकते हैं ना हमारा बच्चा, तो अभी बस वेट ही करना है हमें। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, दीदी ने जो है बहुत सारे कपड़े सपड़े ऑलरेडी मतलब जेरी के लिए ला दिया है, क्योंकि अगर बाई चांस बच्चा कल हो जाता है ना, तो उसके लिए जो है इससे वाला शर्ट वगैरह चाहिए होगा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा सा लूज वाले कपड़े चाहिए होता है, तो इसके लिए लेके आ गया दीदी ने ऑलरेडी। सेकेंड हैंड वाला है ये, सेकेंड हैंड वाला ही यूज़ कर देंगे, थोड़ा सस्ता वाला ना क्या ही करें, सस्ता वाला यूज़ करना पड़ेगा अभी तो। और यहाँ पर देखो अभी पेन हो रहा है क्या फिर? हाँ गर्म पानी पीने से होता है ना, तो इसके लिए मैंने गर्म पानी ऑलरेडी ला के रख दिया गैस यहाँ पे फुल, एक पूरा एक फ्लास्क ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें जो है 2-3 लीटर आ जाता है, रात भर चल जाएगा ना। अभी सब कुछ तो कुछ कम हो रहा है, लास्ट में एक बच्चा हुआ है, वो भी हम का बच्चा आने के बाद। हाँ मौसम भी ठीक हो गया, सब कुछ अभी ठीक हो गया, अभी बस इसका इंतजार है हमें बाकी सब कुछ। हाँ कल तक श्योर है 100%, क्योंकि अभी डॉक्टर सर आएंगे तो दवाई वगैरह लगाने के बाद, रात भर पेन होगा तो सुबह को तो श्योर है 10 बजे तक मतलब आ ही जाएगा। रास्ता खुल गया तो फ्लूइड भी बहुत निकल रहे हैं ना, इसलिए तो वो मेकला में पूरा लग गया था, इसलिए मैंने वॉश कर दिया उसको। इसमें भी वो ब्लड लग गया। मेरा कॉल आ रहा है, पता नहीं कौन, और मम्मी का कॉल आ जाएगा ऐसे देखिए मम्मी का। हाँ हेलो, ये काम जो लाइन नो था रहा नहीं है ना, तो यहाँ आई है। अभी मम्मी से भी बात कर लिया, मम्मी भी पूरा खबर ले रही ना, चिंता में है ना वो भी, तो चाह कर भी नहीं आ सकती घर पे, तो किसी ना किसी को रहना ही है, तो इसीलिए जो है वो घर पे है, अभी घर का देखभाल भी तो ज़रूरी है ना, तो इसीलिए वो सभी लोग नहीं आ सकते। और मेरे वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला है कि जेरी के मम्मी पापा क्यों नहीं आए, और मेरे भैया भाभी क्यों नहीं आए, सबका अपना अपना काम होता है, हम लोग ही खुद नहीं बुलाया उन लोग को, तो अभी आने से भी क्या फ़ायदा ना, बेकार में यहाँ पे झमेला होगा, तो एक बार बच्चा हो जाने दो सही सलामत, उसके बाद आने से ठीक होगा। अभी तो मैं और दीदी आराम से हैंडल कर पा रहा, बेकार में क्राउड बना के क्या फ़ायदा ना, तो आप लोग बेकार में ये सब मत सोचिए। मैंने देखा कमेंट सेक्शन में लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं कि फैमिली मेंबर में मत घुसो ऐसा वगैरह वगैरह, मेरे चैनल पे मेरे वीडियो पे ना, तो आप लोग भी आपस में मत लड़ो, सब लोग भाईचारा में रहो, ऐसे टाइम पे जो है आप लोग हमें हिम्मत दो,
कुछ नेगेटिव कमेंट वगैरह भी मत किया करो, है ना। तो ऐसे टाइम पे जो है हमेशा पॉजिटिव वाइब देना चाहिए, क्योंकि हम कमेंट वगैरह तो हम देखते ही है ना, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाते हैं ना। सबको रिप्लाई करना तो बहुत मुश्किल है, एक वीडियो पे 300-400 कमेंट आते हैं तो सबको रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन हम आप लोग के जो कमेंट है हम लोग जरूर से पढ़ते हैं, और बहुत सारे सजेशन भी आते हैं। बोला है कि एक आंटी है जो कि उसको कमेंट करना नहीं आता है, लेकिन उसका बेटी को कमेंट करने दिया है, जेरी को वॉक करने बोलो, गर्म पानी पीने दो, इसलिए मैं वो भी फॉलो कर रहा हूँ, वॉक कराता हूँ, इसको गर्म पानी पिलाता हूँ ना। तो आप लोग के जो अच्छे अच्छे सजेशन होते हैं वो भी पकड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना गाइस। तो आप लोग भी खराब कमेंट मत करो, और भैया भाभी लोग के बारे में ऐसा उल्टा पुल्टा मत सोचो, और जेरी के मम्मी पापा के बारे में भी ऐसा मत सोचो, वो लोग भी इतना दूर है, वो लोग का तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं ना। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है गाइस। अभी जेरी को थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं गैस, और उसके बाद मुझे वीडियो को एडिट करके अपलोड भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही हम लोग का रोजगार है, यही हम लोग का काम है, तो डेली वीडियो बनाना पड़ता है ना। चाहे आप लोग बोर हो, बोरिंग हो, फिर भी तो देखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग का काम है, यही हम लोग का नौकरी है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करना, आप लोग देख लेना। तो इसी के साथ अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी का अपडेट जो है सुबह में मॉर्निंग में मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके देख लेना।